चैनल गोल अचीवर्स में। और आप जैसा देख सकते हैं कि आज हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम BFFCIL का ऑपरेशन एंड BD के एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसका लेक्चर क्लास आज 3 है और इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को विजिट करने से पहले। ओके गाइस, तो लेट्स गो टू द लेक्चर। लेट मी रेज दिस। तो गाइज हम इसमें ना अभी कहाँ तक पढ़ चुके थे, हमने 2 चीज़ें देख ली थी। एक हमारा इंडस्ट्रियल, मैंने आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेलवे कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड देन उसके बाद हमारा पैसेंजर रेलवे का जो स्टार्ट हुआ एंड वर्क कैसे कैसे उसका एक्सपेंशन हुआ वो मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। अब उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे में क्या होता है कि हमारा जो आपका न्यू इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिफिकेशन से जो आज का वक्त आप जैसा रेलवे देखते हैं उस टाइप का जो रेलवे बना है आपका, अब हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने 1920 में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, क्या हुआ है बताओ। 1924 पूछा था मैंने, वो किसी ने नहीं बताया, अब 1920 पूछ रही हूँ, बताओ क्या हुआ था 1920 में। क्या हुआ था हमारा कि आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग जो था वो वहाँ पे आपका करी रोड टू दादर आपका स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग। ठीक है, अब जब आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग आ गया तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ना ही था, आपकी ट्रेन अब इलेक्ट्रिफाइड तो होनी ही होनी थी, और उसमें थोड़ा ही टाइम लगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को अब नीड बढ़ रही थी। अब देख लो आप, ये वाला टाइम आ गया जब हमारा जो था रिवोल्यूशंस वगैरह सब पीक पर होते थे, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे रिवोल्यूशंस होते थे और कुछ भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी लाइक आप 1919 वाला आप देखोगे तो जालियांवाला कांड जो एक बहुत सैड है, जो एक सैड हुआ है इंडिया के में, तो ये वाला चीज़ हुआ था उसका। फिर 1920 में काफ़ी उसका आउटरीच था, तो उस वक्त भी ब्रिटिशर्स को भी नीड महसूस होने लगी थी इस चीज़ की कि वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इंडियंस को सप्रेस कर सकते हैं, इंडियंस उनके आगे जीते, या फिर एक चीज़ और थी उनको अपना रीच बढ़ाना था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉसिबल नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करना है तो वो एक एक गाड़ी से एक एक गाड़ी से जा रहे हैं, तो उनको ट्रेन का एक्सपेंशन तो करना ही था। अब इलेक्ट्रिफिकेशन इसीलिए वो इंडिया में लाए, और अब जैसे जैसे नीड बढ़ रही थी ना गाइस, तो उसके लिए ट्रेन्स की सर्विस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। अब उसके लिए ज़रूरत थी कि अब वो एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में रह के और सिर्फ उस कंपनी के हिसाब से आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते थे, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेन रन करने की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये जो प्लानिंग और ट्रेन रन करेगा, कैसे क्या रन करेगा, कितनी ट्रेन होगी, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या सैलरी होगी, इस सब के लिए अब आपका बजट लॉन्च करने की ज़रूरत थी। तो आपका जो फर्स्ट बजट लॉन्च हुआ है रेलवे के लिए दैट वॉज इन 1925। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको डू मार्क एज स्टार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1925 में जब आपका इसका बजट आ गया था, रेलवे का बजट आया आपका 1925 में। अब आप जैसे देख रहे हो 1920 में क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग स्टार्ट हो गया है, तो इसके इफेक्ट से 1925 तक आते आते आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन जो था उसका रन जो था वो स्टार्ट हो गया था। कैसे स्टार्ट हुआ था, आपका जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन थी फर्स्ट। ओके, अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना गाइस, दिस डिफरेंट थिंग। पहली ट्रेन की अगर आपसे बात की जाए तो दैट वॉज इन मद्रास, कहाँ से, रेड हिल से चित्रा डेपेट तक। ठीक है, सेकेंड चीज़ अगर आपसे पूछी जाए फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, तो दैट वॉज इन मुंबई बॉम्बे। ठीक है, बंदर स्टेशन से थाने तक। ठीक, तो ये फर्स्ट सेकेंड, और थर्ड आपका अगर आपसे इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन पूछी जाती है तो दैट वॉज अगेन इन बॉम्बे, और बॉम्बे में ही आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी मैं यहाँ लिख देती हूँ, विक्टोरिया टर्मिनस, पहले टर्मिनल नहीं होता था उसको टर्मिनस बोलते थे, अभी भी शायद बोलते हैं टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस से लेके आपकी
एंड गुड लक। विक्टोरिया टर्मिनस टू कोल्डा, ये आपका जो था फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी आपकी पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस टू कोल्डा तक चली थी एंड दैट वाज अगेन इन बॉम्बे। बाद में इसको फिर एक्सटेंड कर दिया था लाइक 1926 में आके फिर इसको आपका कल्याण तक ले गए थे, दैट्स अ प्लेस इन बॉम्बे, अगर कोई बॉम्बे में से है, बॉम्बे से है या कभी आपने विजिट किया तो। सो आपका इसी तरह से मतलब जैसे प्लेस इन महाराष्ट्र है में है ये सारा कल्याण कोल्हा। अच्छा गाइज डोंट गेट कन्फ्यूज कि अगर मैं कुछ इस तरह बॉम्बे जब वर्ड यूज़ करती हूँ, और मैंने जैसे आपको कल पढ़ाया था इसमें कि आपका दादर तक हो गई थी ट्रेन निकल के, या भी आगे भी आएगा, या कोल्हा टर्मिनस कल्याण इस तरह के वर्ड्स ये वाले जगहों के नाम यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अब वो जगह मुंबई के अंदर ना आती हो, बट एट दैट टाइम पूरा महाराष्ट्र का एरिया एंड दैट कुछ पार्ट ऑफ गुजरात का मिला के उस पूरे एरिया को चौरा बॉम्बे ही उसको कंसीडर किया जाता था एंड महाराष्ट्र जैसा टर्म नहीं होता था उस वक्त। तो इसीलिए आपका ये बॉम्बे का है ये वाला पार्ट विक्टोरिया टर्मिनस टू कोल्हा। तो अगर इसमें से कोई पार्ट अब मुंबई में नहीं है तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैम ये तो मुंबई में है ही नहीं, क्योंकि उस वक्त उस एरिया को पूरे को बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, तो आपका ये 1926 में आके फिर ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गई थी। तो मेन आपका यहाँ पे जो एक पॉइंट था वो ये है कि आपका 1925 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन जो है आपकी वो स्टार्ट हुई है, दैट इज़ फ्रॉम विक्टोरिया टर्मिनस टू कोल्हा। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट के ऊपर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर। 1926 में मैंने आपको बताया कि आपका ये कल्याण तक इसका इंक्रीज हो गया था, और इसके अलावा क्या हुआ है 1926 में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन आपका स्टार्ट हुआ था, उस वक्त बनना स्टार्ट हुआ था असल में 1926 में, कंप्लीट वो 1928 या 29 तक जाकर हुआ है, दैट वॉज लखनऊ रेलवे स्टेशन। ठीक है, उस वक्त उसको चार बाग रेलवे स्टेशन भी कहते थे। जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, आप नोट करना चाहें तो कोई नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें साइड बाई साइड होती रही, जैसे 1900 अभी एक सेकेंड रोकाई थी मुझे ज़रा इरेज कर दो। देखो ठीक है, 1926 में मैंने आपको बताया कि जो आपका पैसेंजर इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हुआ था विक्टोरिया टर्मिनस टू कोल्हा, इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया कल्याण तक। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ क्या होता है आपका लखनऊ ये चार बाग भी कहते थे उसको, चार बाग रेलवे स्टेशन आपका बिल्ट होना स्टार्ट हुआ था, बन के कम्प्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ बिल्ट स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इसका। ठीक है, 1926 के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1928। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें क्या हुआ था आपका, आपकी ट्रेन स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ट्रेन जो आपकी बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, विक्टोरिया टर्मिनस से लेके स्टार्ट होकर कहाँ तक गई थी, पेशावर तक। पेशावर इज़ अ प्लेस इन पाकिस्तान, अगर आप देखते हो ये आपका इंडिया का मैप आ जाता है, सॉरी ये थोड़ा पैन हिल गया यहाँ पे, इधर ये आप बॉम्बे का पार्ट लगा लो एंड इधर आपका, सॉरी गाइस ऊपर का बन नहीं पा रहा है कुछ, उधर स्पेस नहीं है, इधर आप अगर ये पाकिस्तान का एरिया लगाते हो यहाँ पर, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ कहीं शायद पेशावर है, तो आपका यहाँ बॉम्बे से लेके यहाँ पाकिस्तान फर्स्ट ट्रेन जो चली थी दैट वॉज फ्रॉम बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू पेशावर। ठीक है, 1928 में इसके अलावा एक और चीज़ क्या हुई थी इंपॉर्टेंट, आपका बांद्रा विरार सेक्शन जो था, बांद्रा जो स्टेशन अभी भी है शायद वो पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो हर साल कोई ना कोई स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं कोई ना ट्रेन चली ही होगी, किसी ट्रेन का एक्सटेंशन हुआ होगा, किसी सर्विस का एक्सटेंशन हुआ होगा, तो वो चीज़ हुआ होगा वो साइड में चलता रहता है, बट जो चीज़ फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहला इलेक्ट्रीफाइड स्टेशन कौन सा था। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रीफाइड हुआ था दैट वॉज इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटनिंग हुआ था करी रोड टू दादर, पहले दादर इज़ ऑल्सो इन द बॉम्बे एट दैट टाइम। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 1928 में आपके इवेंट और होते हैं उसमें आपका और क्या इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, एक आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन सेंट्रल स्टेशन स्टार्ट हुआ था, लखनऊ सेंट्रल मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1928 तक ये कंप्लीट हो गया था कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ अ थिंग जो साइड बाई साइड चलती रहती हैं, दे आर नॉट वेरी मच लाइक ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो।
इसके अलावा एक और ट्रेन भी स्टार्ट हुई थी, दैट वॉज बिटवीन मैंगलोर टू पेशावर। देखो दैट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए ज़रूरी था उसको, उस वक्त के टाइम पे इंडिया का पार्ट था तो इसलिए इनको कनेक्ट किया गया था, ठीक है, दैट इज़ नॉट द बॉर्डर एट दैट टाइम। एंड इसके अलावा आपका एक और ट्रेन स्टार्ट होता है, दैट वॉज फ्रॉम बॉम्बे टू लाहौर। दीज थ्री ट्रेन स्टार्टेड इन 1928, तो खुद भी ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाली ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट या पेशावर लाहौर, ऐसे नाम दे के भी पूछ सकता है। तो जस्ट कीप इन माइंड, बहुत ज़्यादा आपको एक ही चीज़ में नहीं घुसना है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाँ आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आपका 1930 तक आते आते चीज़ों में काफ़ी सारी चेंज हो गए थे, जैसे आपका बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल टू आपका पुणे ट्रेन स्टार्ट हो गया था। आपका हैदराबाद, आपको याद है ना वो गोदावरी वाला जो बन रहा था, हैदराबाद गोदावरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था उस वक्त, ठीक है, जो आपका और ज़्यादा एक्सपेंड होकर मर्ज हो गया था किसमें, निज़ाम स्टेट। आपको पता होगा हैदराबाद वॉज द निज़ाम स्टेट एट दैट टाइम, उस पर निज़ाम रूल किया करते थे। एंड आपको इसके बाद अपना जो इंडिपेंडेंस हो गया है उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जितने भी स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करें, सबको इकट्ठा एक साथ लाएँ। तो उस वक्त उन्होंने जाकर हैदराबाद को इंडिया में मिलाया था बाई डूइंग सम काइंड ऑफ यू नो नेगोशिएशंस विद द निज़ाम्स। कोई मान गए थे आराम से, कोई नहीं मान रहे थे, तो उनको पुलिस के हेल्प से हो गया था। तो खैर जैसे भी हुआ था, आपका पूरा इंडिया बना था इस तरह से। पूरा वो एक टॉपिक है पॉलिटी का, तो अगर मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगी तो डेफिनेटली विल टीच यू दैट पार्ट टू। तो ये गोदावरी एंड हैदराबाद रेलवे स्टेशन आपका निज़ाम स्टेट रेलवे में फिर मर्ज हो गया था। फिर इस तरह से आगे और भी स्टेशन मर्ज हुए आपस में, पूरा एक सिस्टम बनता चला गया और जो हम अभी रेलवे देख रहे हैं इस तरह का डेवलप हुआ। बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग कि कब कौन सा स्टेशन मर्ज हुआ है, कब क्या हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखो, लाइक दिस थिंग कि आपका पेशावर या लाहौर को ट्रेन गया था वो कब गया था, आपका फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन कब चला था, कौन से दो स्टेशन के बीच में चला था, एंड देन आपका फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, आपका फर्स्ट नॉर्मल ट्रेन कब कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग का तो फिर भी आपको याद रखने का नीड है, उसके बाद का उतना इम्पोर्टेंट रह नहीं जाता है, ठीक है, मतलब नॉट द एवरीथिंग, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट आप छोड़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, एक बार एक ट्रेन चल गई, फिर अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई, अब वो चल गई है ट्रेन, अब वो चल रही है, शुरू के तो आप कुछ याद रख सकते हो कि पहले यहाँ चली, फिर यहाँ से इस जगह से यहाँ पर चली, फिर ये एक्सटेंड होकर यहाँ आ गई, या अगर हमारा जैसे पेशावर वाला या लाहौर हमारा दूसरा कंट्री में गया वो, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं। बट अब अगर आपका फिर दिल्ली में कब आई, फिर लखनऊ में कब आई, फिर कानपुर में कब गई, फिर बनारस में कब आई, अब ऐसे एक चीज़ रखना याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए फर्स्ट सेकेंड चीज़ें आप याद रखें। नाउ वी विल मूव टू द, अभी मैंने आपको इंडस्ट्रियल वाला बता दिया, इंडस्ट्रियल रेलवे, पैसेंजर रेलवे बता दिया, एंड देन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिफिकेशन और उसका जो भी एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ है आपका जोनल रीऑर्गेनाइजेशन। ये तो देखो अभी तक चल ही रहा है, जोन्स अभी भी बनते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले भी शायद बनाए हुए जोन, ठीक है, अभी डिटेल में जाऊँगी तो बताऊँगी। तो जोनल डेवलपमेंट ये सब आपका होता रहता है, अभी हम आपका मेन जो हुआ है वो देख लेते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 1930 में हमारा जो हुआ है आपका मर्ज हुआ है हैदराबाद का आपका निज़ाम स्टेट के साथ। इसके बाद आपका करीब आपका 1930 के बाद अगर आप हिस्ट्री से रिलेट करोगे ना, तो 1930 के बाद सब कुछ जो भी आपका रिवोल्यूशंस और आपके जो भी इधर से इंडियंस का जितना भी आउटरेज होता था और जो भी इनकी डिमांड्स होती थी, एंड एवरीथिंग वाज ऑन द पीक, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो पीक पर आ गया है 1930 के बाद। अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री, अगर आपने पढ़ी होगी या मैं पढ़ाऊंगी तब आप देखना, 1930 के बाद अपना फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पीक पर आ गया है। तो जब ये पीक पर है तो बाकी चीज़ें सप्रेस कर जाती हैं ब्रिटिशर्स के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी तरह फ्रीडम स्ट्रगल को दबाना। और इस सब के बीच में रेलवेज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फिर नहीं होता है, एंड 1947 तक करीब कुछ भी बहुत मेजर नहीं हुआ है। 1947 के बाद जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, देन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि नया नया हमारा देश बना है, तो
जितने भी हमारे लीडर्स थे दे आर बिजी विद मेकिंग द अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, लाइक आपके पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं बचा था, आपको अपना एग्रीकल्चर में ही अगर आपको अपना सर्वाइवल करना था या जिस भी फील्ड में करना था इम्पॉर्टेंट था बहुत उस वक्त कि उनको आपको ट्रैक पे लाया जाए। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था, आपके स्टेट्स टूटने लगे थे, फिर गुजरात में था या फिर आपका हैदराबाद में था या जम्मू कश्मीर था, तो इन स्टेट्स को मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट आपका जिम्मेदारी हो गई थी गवर्नमेंट की, आपके स्टेट्स बने रहे ताकि देश न टूटे, देश बना रहे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, फिर अपना नया नया देश पर बना था तो फिर लोगों के बहुत ज़्यादा ओपिनियंस आते थे कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन है एंड इतने धर्म के जाति के लोग रहते हैं, इतनी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, तो नो वन बिलीव्स कि ये देश कभी भी अपना सर्वाइव कर पाएगा जो आज खड़ा है। तो कोई इस बात को बहुत ज़्यादा आलोचना होती थी लोगों की, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों की जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, तो इस चीज़ पे लोग नहीं यकीन करते थे कि ऐसा देश कभी यूनिटी के साथ चल सकता है, जो कि आज चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, छोटा मोटा कुछ होता रहता है बट ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन, वेरी गुड। तो आप ये चीज़ देखोगे तो इस सब प्रॉब्लम्स के बीच में कहीं ना कहीं रेलवे डेवलपमेंट आपका थोड़ा छूट गया बीच में, जो कि उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए, उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो सही था, बिकॉज सबसे पहले ज़रूरी था कि हम अपने देश में जो लोग हैं उनको फूड कैसे दिलवाएं, ठीक है, उनका उनको एजुकेशन कैसे दिलाएं, ठीक है, अपने देश को सर्वाइव कैसे करें, हम यूनिटी के साथ कैसे रह सकते हैं, अपना यूनिटी को हमें कैसे बरकरार रखना है। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थे जिस पर उस वक्त वर्क किया गया, जो कि बहुत सही भी वक्त का डिसीजन भी है। अदरवाइज तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये स्टेट्स नहीं मिलाए होते तो अपना देश कितने टुकड़ों में टूट गया होता। नेहरू जी ने एजुकेशन पॉलिसी, फूड पॉलिसी एंड आपका यूनिटी, इन सब चीज़ों पर वर्क नहीं किया होता तो अभी तक तो खत्म हो चुका था, तो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका होता। जैसे आपका रशिया टूटा था 15 पार्ट में, भारत तो टूटता पता नहीं कितने पार्ट में। तो खैर, इसके बाद 1947 के बाद जब 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया है फाइनली, ठीक है, उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करते हैं लोग दोबारा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया है तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। एंड उस वक्त जो लोग होते थे ना, जो लीडर्स होते थे उस वक्त के, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल्स, क्योंकि अगर वो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते ना उस सिचुएशन में, उस टफ टाइम में जब आपको कोई ऐसे ही छोड़ के चला गया है विदाउट एनी रिसोर्स, विदाउट एनी थिंग, बिलियंस की अपनी पॉपुलेशन होती थी उस वक्त भी, अपनी लाखों की तो थी ही थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर कितनी थी, बट काफ़ी पॉपुलेशन थी और इतना बड़ा देश था, इतनी लैंग्वेज, इतने जाति, इतने धर्म, उसके बाद उस देश को चलाना हुआ था टफ टाइम एट दैट टाइम, जब आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो उस वक्त के जितने भी लीडर्स थे दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, और उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया गया उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह निभाया और उसको बहुत अच्छी तरह चलाया। तो इसी तरह रेलवे भी किसी को असाइन हुआ होगा। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, नहीं बता पाओगे तो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था अपना, ठीक है। मैं भी यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं बता रही हूँ क्या डिपार्टमेंट था, क्या नहीं था, क्या क्या बर्ज था या अलग था, जो भी बना था, मैं आपको ये नेक्स्ट ही वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर का नाम बताइए। ओके, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलवे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को दी गई थी, जिसको भी दी गई थी, ठीक है, वो आप बताएंगे। तो जिसको भी रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसके हिसाब से उन्होंने फिर चीज़ें करना स्टार्ट किया। तो आपका 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, रेलवेज़ की जिम्मेदारियाँ आई हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या होता है, 1951 में जाके रेलवे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रेलवे जोनल रीऑर्गेनाइजेशन, रेलवे जोनल रीऑर्गेनाइजेशन 1951 में। अब ये आपको ना याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको स्टोरी की तरह समझा दिया है, 1930 के बाद क्यों कुछ नहीं आया और 1951 में ही क्यों आया था सीधा सब कुछ, ठीक है। तो आपका रेलवे जोनल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है 1951 में। अब जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो सबसे पहले क्या हुआ है, देखो सबसे पहले आपका जो रेलवे बना था, सबसे पहले जो आपका ट्रेन आया था वो कहाँ आया था, मद्रास में आया था, ठीक है, रेड हिल टू क्षेत्र डिपे। तो आप इससे रिलेट करके, हालांकि इससे कोई लिंक नहीं है इस बात का, ये जस्ट आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि पहला आपका रेलवे भी मद्रास में आया था और पहला जो जोनल डेवलपमेंट हुआ है तो पहला जोन भी आपका सर्दर्न जोन था, ठीक है, फर्स्ट जोन वॉज द सर्दर्न जोन, ठीक है। इसके बाद हमारे बाकी के जोन्स डेवलप होते हैं, तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि आपका फर्स्ट जोन कौन सा था, ठीक है। लेट मी रेज दिस थिंग एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है।
क्या बताया मैंने अभी तक आपको, 1951 में आपका जोनल रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। जोनल रीऑर्गेनाइजेशन जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो आपका 1951 में ही जो आपका फर्स्ट जोन क्रिएटेड होता है, फर्स्ट जोन जो क्रिएट होता है दैट वाज द सदर्न जोन। उसके बाद फिर आपके बाकी जोन्स क्रिएट होने शुरू होते हैं। तो 1952 में आपके आपको क्रिएट होता है नॉर्दर्न, ठीक है, ईस्टर्न एंड आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। अब देखो इसके पीछे भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों चला है। नॉर्दर्न जोन डेवलप होने का रीज़न क्या था, देखो अपना जो दिल्ली था दैट वॉज द कैपिटल एट दैट टाइम एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दिल्ली ही अपना कैपिटल है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिल्ली में तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा रेलवे, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो दिल्ली कहाँ आता है आपका, नॉर्थ में आता है, तो इसलिए आपने नॉर्थ का आपने उसको डेवलप किया। एंड देन आपका ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का रीज़न देखो, आपका कोलकाता ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि इसीलिए अपना फिर कोलकाता को बना का बना डेवलप, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है रह गया, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन एंड आपका ये वाला सेंट्रल जोन, ये एक साथ डेवलप हुआ है। देखो सदर्न और सेंट्रल तो साथ में डेवलप हो जाएगा क्योंकि सदर्न आपको यहाँ नीचे का आ गया और सेंट्रल यहाँ सेंटर में आ गया, तो ये आपका एक साथ डेवलप हो गया। वेस्टर्न डेवलप होने करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, रीऑर्गेनाइज करने का, सॉरी नॉट डेवलप, रीऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा रीज़न था कि आपका पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था, यहाँ बॉर्डर था, तो ज़रूरत था हमें कि हम यहाँ का जो अपना ट्रैवल है वहाँ पे अपनी चीज़ें सब सब कुछ ठीक से रख सकें, यू नो उस वक्त जो नीड है होगी, इसीलिए हमारा इसके बाद वेस्टर्न जोन हुआ है, फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट जोन आपका डेवलप हुआ है, ओके। उसके बाद अपने इसमें ही फिर और सॉरी रीऑर्गेनाइज हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, वो डेवलपमेंट वर्ड निकल रहा है बार बार नीचे, आपके रीऑर्गेनाइज हुए हैं। 51 में सदर्न वेस्टर्न सेंट्रल, 52 में आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद ही आपका 52 और 53 से आप में आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट इन द सेंस, ये पेन नहीं चल रहेगा इस मैं ऐसी बोल देती हूँ, 52 में आपके डेवलपमेंट में क्या है मेरा मतलब, आपके फैंस चलने स्टार्ट हो जाएंगे 52 में हुए हैं आपकी ट्रेन में, आई एम रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी। यस गाइस, 1952 में आपका ये रेलवे डेवलप रीऑर्गेनाइज हो गए, अब आपके जोन्स आपको दिख गए उस वक्त के हिसाब से जो थे मेजर जोन आपको पता लग गए। इसके बाद आपका डेवलपमेंट भी 1952 में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 52 से डेवलपमेंट में आपका क्या स्टार्ट होता है, आपका लाइक फैन है, लाइटनिंग है, ठीक है, आपके स्लीपिंग कोच होते थे, क्योंकि पहले तो सिर्फ सिटिंग वाला था ना, उन्होंने आपकी सहूलियत के लिए नहीं करवाया था कुछ भी काम, अंग्रेज़ों ने अपने काम के लिए काम करवाया था उन्होंने, ठीक है। तो आपकी ये सब चीज़ें डेवलपमेंट 1952 में ही होता है। उसके बाद फिर आपके और ऑर्गेनाइज और जोन्स बनते हैं, मैं ये इसको मैं चार्ट की फॉर्म में इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना अगर स्क्रीन शॉट ले लो तो आपको देख कर याद आ जाए। 55 में आपका सदर्न ईस्टर्न जोन, अच्छा इसको ना आप ऐसे मत याद रखो, आई विल ट्राई टू मेक द मैप अगर बन पाया यहाँ तो मुझसे, क्योंकि ना ये पेन बहुत हिलता है और इससे ना बना पाना पॉसिबल थोड़ा होता नहीं है। गाइस मैं नहीं बनाना चाहती क्योंकि पेन बहुत हिल रहा है और ड्रॉ नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको आइडिया से बता देती हूँ करीब करीब इस तरह से अगर हमारा है मैप, ठीक है, बहुत ख़राब बनाया है मुझे सॉरी गाइस, बट पेन इतना हिल रहा है ना कि ड्रॉ नहीं हो पा रहा, प्लस स्पेस भी नहीं है इधर कॉर्नर में। तो देखो पहले आपका बना है सदर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड आपका वेस्टर्न पार्ट ये वाला, ठीक। उसके बाद 52 में आपका कौन सा बना है, नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और ये आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद 52 में आपका आ जाता है सदर्न ईस्टर्न पार्ट, मतलब आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके अलावा आपका इस मतलब ये पार्ट में डेवलप होता है, बेसिकली आपके ईस्टर्न पार्ट में ना ये सारा इंक्लूड रहता है, ठीक है, ये पूरा एक ऑर्गेन एक पूरा जोन रहता है ये वाला पूरा ईस्टर्न पार्ट में ऐसे, बट फिर क्या होता है इनको सेपरेट कर दिया जाता है और ये आपका ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट से एक हो जाता है और ये वाला आपका ईस्टर्न जोन जो है वो आपका अलग अलग डेवलप हो जाता है,
फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपका क्या होता है, 1958 में आपका नॉर्थ फ्रंटियर पूरा लिख देती हूँ, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जोन सेपरेटेड कर। अभी आपका ये नॉर्दर्न फ्रंटियर वाला जो ये वाला जोन है पूरा वेस्टर्न जोन में आएगा, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये सेपरेट हो जाता है, ये भी आपका सेपरेट ही हुआ था। ठीक है गाइस, नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो पूरा था ना इससे आपका सेपरेट होकर अलग हो गया था। तो ये मेन आपकी मेजर मेजर चीजें हुई थी। इसके अलावा आपका मेन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है आपका, ये इम्पोर्टेंट अलग चीज़ है, इस ये आपका जोनल तक आप यहीं तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी रिसेंट में कुछ जोन बने हैं वो आपको पता होने चाहिए, बता दूंगी मैं वो जब हम आएंगे। इसके अलावा हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ वन बाय वन चलते हैं, 1960 में देखते हैं सबसे पहले। 1960 में जो हुआ है हमारा फर्स्ट ट्रेन हमारी अभी 25 केवी पे जो चलता है ना, 25 केवी पर हमारी फर्स्ट ट्रेन चली है। केवी इज किलोवाट, 25 किलोवाट एसी, एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, 25 किलोवाट ऑल्टरनेटिंग करंट पे हमारी फर्स्ट जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है। और वो कहाँ से कहाँ तक गई है, हमारी राज खरसवान से डॉन गोपसी तक। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेन गई है। अब इसका मैं मैप पे दिखा सकती थी बट कुछ फ़ायदा होता नहीं होता ज़्यादा, बस टाइम वेस्ट रहता है, आप खुद ही उसको गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। एंड देन इसके बाद आपका क्या हुआ है, 1966 में, 1966 में आपका फर्स्ट फ्राइट सर्विस आपकी स्टार्ट हुई है विद कंटेनर्स। ठीक है, विद इसमें कंटेनर्स वगैरह रहते थे। और ये कहाँ से कहाँ तक बॉम्बे टू अहमदाबाद, देखिए ये आपका बहुत ज़्यादा मर्चेंट वाला एरिया होता था ना, बिजनेस वाला भी गुजरात बॉम्बे बहुत ज़्यादा है, तो आपका उस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। फर्स्ट फ्लाइट सर्विस आपकी स्टार्ट हुई है फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद। ठीक है, इसके बाद आपका देखो ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया 25 किलो वाट पे आके राज खरवान से डॉन गोपसी तक। उसके बाद फिर आपका दिल्ली मेड्रास और कोलकाता वगैरह में भी होता है 1966 में आके। चाहिए तो फर्स्ट याद कर लो, बाकी तो फिर वो हो गई होगा हर साल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट चीज आपका 1979 में हुआ है आपका, ये रेज हो जाए अगर तो मैं ठीक से लिख दूँगी यहाँ। 1979 में आपका क्या हुआ है, मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, जो आपकी मेन लाइन ऑफ सप्लाई रहती है ना उस, वो पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो गई थी 1979 में, नहीं सॉरी पूरी कन्वर्ट नहीं हुई थी। मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का आपका एक जो प्रोजेक्ट था, ये एक प्रोजेक्ट था, मतलब इसमें क्या करना था, आपकी जो मेन लाइन थी उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करना था। इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, इसमें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, प्रोजेक्ट को फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस पर लेवल पर लिया थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये आपका लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट होता था, मतलब वही ट्रेन को आपको इलेक्ट्रिफाई करना है, ये एक प्रोजेक्ट था पहले, फिर उसको बाद में पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना गया था, दैट इज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म होती थी इसकी को। यहाँ लास्ट में थोड़ा घिचपिच हो गया, लिख नहीं रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो अपनी नोटबुक में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होते होते हो गया 1979। ठीक है, 1979 में अब ये प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन और अपना जोनल रीऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ तक जोनल रीऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन और जोनल रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसको आप समराइज कर दीजिएगा या नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई एक समराइज कर दूँगी। अभी लेट मी चेक के, हाँ हमारा 30 मिनट का ऑलरेडी कम्प्लीट मतलब होने ही वाला है, 1-2 सेकेंड रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं साथ में समराइज कर दूँगी इसको। तो फिलहाल के लिए दैट्स इट गाइस, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। बाकी
अगर आप टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में डाल दिया करिए, ताकि मैं उसको वहाँ पे जाके हैंड टू हैंड चेक कर लूँ। कमेंट चेक करना इजी रहता है ना, कोई फ़ोन पर शो कर देता है। टेलीग्राम भी हालांकि फ़ोन पे चलता है, बट उसको चेक करना बार बार पॉसिबल नहीं है। कमेंट में आप डालोगे तो वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा मुझे। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक था इस वीडियो में, और मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सारे दोस्तों से बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टू हियर गाइज, एंड थैंक यू सो मच।